नमस्कार, मैं हूँ जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस AIMTC जो कार्गो और पैसेंजर सेगमेंट के वाहन चलाने वालों का एक राष्ट्रीय स्तर संगठन है, इस संगठन ने पत्रकार वार्ता कर अपनी विभिन्न मांगे मध्य प्रदेश सरकार से रखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। राज्य में लॉकडाउन के दौरान रोड टैक्स माफ किया जाए, पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जबरन वसूली सीमा चौकियों और उनके उड़न दस्तों द्वारा उत्पीड़न जबरन वसूली अत्याचार और गैर कानूनी चेक पोस्ट को खत्म किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। सारे ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे, इसमें हमारे लिए विभिन्न संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों में कैट ने, दूसरे अन्य संगठनों ने, युवा व्यापारी संघ है, मेडिकल एसोसिएशन है, अनाज तिलहन संघ है, इन्होंने भी हमारे लिए समर्थन दिया हुआ है। संभवतः वो भी अपना व्यापार बंद रखेंगे। इसका असर जनता के ऊपर दिखाई देगा। जनता को हमारी जो परेशानी है उसको बताने के लिए और इस भस्मासुर सरकार को जगाने के लिए कि जो आज हमारे लिए हमने जो कोरोना बीमारी के दौरान एक सेवा की है, जो हमारे ड्राइवर हाईवे हीरोज बनके, कोरोना वॉरियर्स बनके सामने आए और देश की जनता की सेवा की है, उसको बताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए ये हड़ताल हम लोगों ने की है। प्रदेश ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट इकाई के माध्यम से सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया है। ये 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक रहेगी। इसमें प्रमुखता हमारी जो मांगे हैं वो डीजल में बढ़ोतरी, ड्राइवर का कोविड बीमा, चेक पोस्टों पर भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस और दूसरी अन्य मांगे जिसमें स्थानीय मांगों में ट्रांसपोर्ट नगर शामिल है। इन सब मांगों को लेके ट्रैफिक पुलिस टीवी इसमें जो है ना अवैध वसूली शामिल है। इन स्थानीय समस्याओं एवं प्रादेशिक और देश की समस्याओं को लेके हम लोग एक्शन लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, जो 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अभी रहेगा। मांगों पर अगर सरकार के द्वारा विचार नहीं किया गया तो यह चक्का जाम आगे आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हो जाएगा। किस प्रकार की हड़ताल रहेगी? मजबूरी ये होती है कि ये लोग उस समय पे तत्कालिक ड्राइवर के लिए मानसिक रूप से परेशान करते हैं। तात्कालिक व्यवस्था में ड्राइवर अपना पीछा छुड़ाने के लिए और इनके दबाव के कारण, पुलिस के डर के कारण कोई शिकायत नहीं करता और वो उस प्रताड़ना से बचने के लिए इनके साथ समझौता करके निकल जाता है। हमारी वरिष्ठ अधिकारियों से मांग है कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जा रही अवैध वसूली और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए, इसको खत्म किया जाए।